और आज आसपास की शुरुआत में मैं इस साल की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहा हूं, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पूरे देश में लागू हो गया है। यानी अब 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी और इसका सीधा फायदा हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय को होगा जिनके लिए कोई मुल्क नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न की वजह से अपना देश छोड़ना पड़ा था। यह मोदी सरकार का वो फैसला है जो एक माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित होगा इस पूरे इलाके के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि यह पोलराइजेशन की कोशिश है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि चाहे जो हो जाए मैं बंगाल में CAA नहीं लागू होने दूंगी, किसी कीमत पर लागू नहीं होने दूंगी। तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की चाल इस पूरे मुद्दे पर पोलराइजेशन की है। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी विरोधी पार्टियों को सियासी नुकसान का डर सता रहा है? क्या यह फैसला बीजेपी के लिए 370 प्लस वाले टारगेट को आसान बनाने वाला है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। चुनाव से पहले व्यूअर्स, चुनाव से पहले आ गया है CAA। बड़ी सुई पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको CAB के पॉपुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अभी चुनाव जो बातें हैं, एक कुछ कुछ लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहे हैं। ...2024 के चुनाव से पहले आ गया है CAA, ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस ने इस समय फ्लैग मार्च किया है। शाहीन बाग में इसके इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है। शाहीन बाग वही इलाका है जहां सबसे लंबा CAA का प्रदर्शन चला था, उसी इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है। इसके अलावा साइबर एजेंसियां भी अलर्ट में है, अफवाह फैलाने वालों पर नजर है। जो भी व्यक्ति अफवाह फैलाएगा उसको, उस पर बड़ा अलर्ट जारी किया है पुलिस ने। उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है, उत्तराखंड में भी अलर्ट है, मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट है, देश के विभिन्न भागों में अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप र्यूमर मॉन्गरिंग करते हैं CAA के मुद्दे के ऊपर, तो सरकार की नजर होगी, प्रशासन की नजर होगी, पुलिस की नजर होगी, DM की नजर होगी। लेकिन दिल्ली का वो इलाका जहां सबसे बड़ा प्रदर्शन चला शाहीन बाग, वहां फ्लैग मार्च किया गया है इस समय की बहुत बड़ी खबर है, देश में के लिए बहुत बड़ी खबर है। CAA एक बार लागू हो गया है। मेरे साथ कौन कौन मेहमान है? मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, लेफ्ट के नेता है। मेरे साथ तौसीफ खान है, उनका अभिनंदन है। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की है, आपका भी अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, फाइनली CAA लागू हो गया है चुनाव से पहले, और सीधे तौर पर सरकार ने मंशा जता दी है कि चुनाव से पहले CAA आएगा, यानी मोदी जो कहते थे, गृहमंत्री अमित शाह जो कहते थे वो कर दिखाया है। हाँ बिल्कुल, और चुनाव के पहले ही टाइमिंग है, टाइमिंग बहुत बढ़िया है। ऐसा एक माहौल क्रिएट करो, एंटी मुस्लिम एक सेंटिमेंट जारी करो, कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करे, कोई आवाज उठाए उसे दबाओ, हिंदू वर्सेस मुसलमान फैलाओ, वोटर्स को पोलराइज करो, वोट की भीख मांगो। ये जो है ये आप मुझे बताइए अमीश देवगन, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, ये टाइमिंग और CAA को लागू करने का क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो कहा था वो कर दिखाया, 6 महीना पहले कर लेते या 6 महीना बाद कर लेते इलेक्शन के, अभी क्या जरूरत पड़ी थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, CAA का कानून कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर इथॉस के खिलाफ है, ये बिल्कुल खिलाफ है। कोई भी बिल, कोई भी कानून आप लाते हैं
उसमें आप एक पर्टिकुलर धर्म को उसके परव्यू से बाहर नहीं रख सकते। यह बिल्कुल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं, यह गलत चीज है। और इसको एनआरसी से जब कंबाइन किया जाएगा तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज होने की एक स्ट्रांग संभावना बनती है। तो इन चीजों को देखते हुए जो हो रहा है वो देश के लिए अच्छा और प्रोग्रेसिव नहीं हो रहा है। यह वोट की राजनीति के चक्कर में रिलीजियस पोलराइजेशन, इसका समर्थन हम में से किसी को नहीं करना चाहिए। और हम तो अपील करते हैं सरकार से कि रिव्यू करें अपने इस डिसीजन को, वरना देश बट रहा है और यह चीज ठीक नहीं है। बड़ा स्पष्ट रूप से ये सरकार के एजेंडे में था, बीजेपी के एजेंडे में था, ये लागू तो होना ही था। लेकिन गौरव भाटिया, टाइमिंग को लेकर एक बड़ा प्रश्न है और विपक्ष के अधिकतर नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले पोलराइजेशन का प्रयास है। और जयराम रमेश ने भी यही कहा है कि एक पोलराइजेशन का बड़ा प्रयास है। क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर सीए के नोटिफिकेशन आने से देश पोलराइज हो जाएगा? देखिए अमित जी, सर्वप्रथम तो एक बात कहूंगा, भारत की जनता कह रही है मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो राह है। और ऐसा इसलिए है कि हर नागरिक, हर दल की, चाहे विपक्ष में हो चाहे सत्ता में हो, उसकी आस्था संविधान में होनी चाहिए। यही सारी विपक्षी पार्टियां तंज कस रही थी कुछ माह पहले, अरे सीए के रूल्स नहीं आए, लागू क्यों नहीं कर रहे, कर नहीं पाओगे। अब जब आ गया और संवैधानिक तरीके से आया है तो ये लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग नहीं अच्छी है। तो मैं सबसे पहले आपको दो तीन प्रमुख बातें बताता हूं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये बंगाल में मैसिव सेलिब्रेशन हो रहा है सीए के आने पर। बंगाल के आप दृश्य देख रहे हैं, बंगाल में मैसिव सेलिब्रेशन हो रहा है। बंगाल और असम में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है व्यूअर्स इस समय की। ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग स्टोरी है। बंगाल और असम में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है, बड़ा असर पड़ने वाला है, ये समय की बड़ी खबर है। गौरव भाटिया, बंगाल में सेलिब्रेशन का माहौल है लेकिन विपक्षी खेमे में चिंता है और माहौल खराब होने की बात की जा रही है। गौरव भाटिया, अमीर जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं और फिर ये सारी बातें जो आप उठा रहे हैं इनका उत्तर भी दूंगा। सबसे पहले देखिए, पहली बात, सीए का कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। यही भ्रम, यही रायता फैलाया था इन्होंने पहले भी, और उसके बाद चुनाव दर चुनाव ये हारे। और जो कानून संसद पारित कर चुकी है उसको आप लागू कैसे नहीं करेंगे, उसके विपरीत बात कैसे करेंगे। दूसरी बात, सीएए और एनआरसी अलग अलग हैं, लेकिन ये लोग उसको एक साथ इसलिए बोल रहे हैं, चाहते हैं कि खासकर जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, उनमें भ्रम की स्थिति पैदा हो। तीसरी बात, आपने कहा कि एक समाज में डर पैदा होगा, ध्रुवीकरण होगा। मैं अमीर जी पूछना चाहता हूं, आप भारत के नागरिक हैं और मुसलमानों की भी बात कर लेते हैं, जब आपकी नागरिकता जा नहीं रही है और कोई अल्पसंख्यक है अगर तीन मुस्लिम बहुल्य देशों में और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और भारत हमेशा मानवता के साथ रहा है, उनको नागरिकता दी जा रही है, तो किसी को आपत्ति क्यों है? चौथी बात, टाइमिंग की करी गई। अमित जी आप बताइए, अच्छे काम के लिए हर वक्त अच्छा होता है और कोविड की महामारी में हमारी प्राथमिकता टीके देना थी, 220 करोड़ दिए। अब उसके बाद जब सही समय आया, जब सरकार को लगा कि हमें रूल्स को नोटिफाई करना है, तो सरकार ने कर दिया। लेकिन गौरव भाटिया, चुनाव से पहले आया तो विपक्ष का सवाल भी लाजमी हो जाता है। लेकिन बीजेपी ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट करा है कि मोदी सरकार ने जो गारंटी दी थी, मोदी जी की गारंटी जो थी वो पूरी हुई है, मोदी ने जो कहा वो पूर्ण रूप से किया है, ये मोदी सरकार की गारंटी थी और मोदी अपनी गारंटी